Hello everyone and welcome to online video tutorial. In this video we will see how you can apply in a Tata Steel for the post of aspiring engineers program which is AEP. इसकी रिकॉर्डिंग मैंने ये करी है. कई लोग के इसमें डाउट आ रहे थे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन अप्लाई वेदर यू आर जनरल कैंडिडेट और यू आर एम्प्लॉय वार्ड. एम्प्लॉय वार्ड का सबसे पहले मैं आपको भर के दिखाता हूँ. यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय वार्ड हैं तो इस पर क्लिक करने पर आपके पास कुछ और ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, जैसे कि रिलेशन विद दी एम्प्लॉय. रिलेशन विद एप्लीकेंट क्या है, आप उनके सन हैं, डॉटर हैं या क्या रिलेशन है, उसका ऑप्शन रहेगा. फिर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सभी को भरना है. और उसके बाद आपका ये पर्सनल डिटेल भरनी है जो वहाँ के एम्प्लॉय हैं उसकी, साथ ही उसका एक आईडी कार्ड भी उनका लगाना होगा. तो ये डिटेल भरेंगे. ये डिटेल उनको नहीं भरनी है जो लोग जनरल कैंडिडेट में अप्लाई कर रहे हैं. तो सबसे पहले ये अप्लाई करने की प्रोसीजर में आगे आएगा. जैसे कि आप देखें आधार कार्ड या पैन कार्ड यहाँ पर लगेगा. यहाँ ये चाइल्ड भर सकते हैं, स्पाउसेस, सन इन लॉ, ये सब रिलेशंस में माने जाएंगे. रिलेशंस और जनरल कैंडिडेट दोनों का ही फॉर्म निकला हुआ है. प्रेफरेंस वाइज कुछ स्टेट्स को प्रेफरेंस कर दिया गया, बट सभी स्टेट्स के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. और यहाँ पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से कुछ डिटेल्स आती हैं. ये डिटेल जो पर्सनल डिटेल्स हैं, पर्सनल डिटेल्स ये सभी को भरने हैं. इसमें भी कुछ लोग को डाउट आ रहा था, तो इसमें ये डाउट आ रहा था कि ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में क्या लिखेंगे. तो फेस का कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क या फिर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर मेंशन किया जाएगा. ईमेल आईडी जो भरेंगे उसको वेरीफाई करना होगा, मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, एड्रेस, करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भरना होगा आपको. उसके बाद फिर आगे बढ़ने पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एकेडमिक डिटेल, सबसे पहले 10th और 12th की डालेंगे. इसमें कुछ लोगों को परसेंटेज वगैरह में भरने में दिक्कत आ रही है, सो इसमें जब आप एक पे क्लिक करते हैं सो थोड़ा सा टाइम लेता है ये लोड होने में. इट्स बेटर यू यूज़ गूगल क्रोम. गूगल क्रोम में कोई दिक्कत नहीं आ रही, ओपेरा में भी दिक्कत नहीं आ रही, इंटरनेट एक्सप्लोर में दिक्कत नहीं आएगी. बाकी मोज़िला और दूसरे ब्राउज़र में थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा. और थोड़ा सा रिस्पॉन्स इसका पेज का स्लो है, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा एक एक क्लिक पर. उसके आगे जब आप ये भर लेते हैं तो टेक्निकल डिटेल पूछता है. तो टेक्निकल डिटेल में आपको ये पूछा जाता है कि कौन से प्लांट में आपको किस पोस्ट के लिए पहले अप्लाई करेंगे. जनरली क्या होता था हर साल कि टाटा स्टील की वैकेंसी इंजीनियर प्रोजेक्ट वाली अलग निकलती थी, स्टील ऑपरेशंस वाली अलग निकलती थी. इस बार चार तरह की ये वैकेंसीज आई हुई हैं. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की वैकेंसी है, स्टील प्लांट ऑपरेशन की है, स्टील मेंटेनेंस की है और माइनिंग एंड माइंस लोकेशन वाली है. तो ये चार लोकेशंस के लिए एक साथ अप्लाई किया जा रहा है. तो नंबर ऑफ़ पोस्ट पिछले साल से ज़्यादा ही होंगी. ये 2020 के बाद इधर एक साल के गैप पर आ रहा है, कोविड के समय ये नहीं हुआ था. सो इसमें पोस्ट काफ़ी अच्छी खासी हैं. ब्रांच वाइज पोस्ट मेंशन नहीं करते हैं ये, बट क्वालिफिकेशन आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन में आपको बीटेक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो पूछा गया है. फिर डोमेन, किस डोमेन में अप्लाई कर रहे हैं आप, सो वो ऑप्शन आपको मिल जाता है. यहाँ पर आपको अदर क्वालिफिकेशन में फिर अप्लाई करते समय आप भरेंगे कि आपकी अदर क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि बीटेक वाला भरेंगे और उसके बाद एमटेक या पीएचडी कुछ किया है वो ऑप्शन रहेगा. एक्सपीरियंस भरेंगे, एक्सपीरियंस जिसको नहीं है वो छोड़ सकते हैं. यहाँ पर रिज्यूमे अपलोड करना है. रिज्यूमे में एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये 200 KB के अंदर होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो कुछ वहाँ पर भी एरर दिखाएगा आपको. फिर लोकेशन, जो जॉब लोकेशन आपकी है वो आपको अप्लाई करने में ही पूछ लिया जा रहा है. प्रेफरेंस वाइज जमशेदपुर, कलिंगानगर, अंगुल और ये माइनिंग लोकेशन, इनमें से किसमें आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके अप्लाई कर सकते हैं. ठीक, फिर ये चेकबॉक्स क्लिक कर देंगे और आपको साथ ही इसमें आगे प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे. ठीक है, और फिर सबमिट कर दिया जाएगा. और इसमें मैं आपको यहाँ पर ये दिखा देता हूँ. आप इंटरव्यू लोकेशन भी भरेंगे. इंटरव्यू लोकेशन में जैसे आपके पास बैंगलोर है, भुवनेश्वर है, दिल्ली, जमशेदपुर, कोलकाता, मुंबई, इसमें से कोई भी लोकेशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, विच एवर इज़ सुटेबल फॉर यू. ज़रूरी नहीं ये इसी लोकेशन पर इंटरव्यू हो. इसमें एक चांस ये भी है कि अगर कोविड सिचुएशन होती है या कुछ इनको कंपनी को रिक्वायरमेंट जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग ये ऑनलाइन इंटरव्यू भी ले सकते हैं. ऑनलाइन इंटरव्यू इसका MS टीम पर लिया जाता है. और अगर ऑनलाइन नहीं होता है तो फिर जो आपने फॉर्म भरा है उसमें जो भी लोकेशन डाली इंटरव्यू की वहाँ पर इंटरव्यू होगा इसका. नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसमें जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से ये कंसेंट पूछेगा, इसको आप ओके कर देंगे और फिर सबमिट करना होगा. अगर हम जनरल में जा करके देखते हैं तो जनरल में कुछ डिटेल जो स्टार्टिंग में आपको टाटा स्टील एम्प्लॉयज़ वाली थी वो नहीं भरनी होगी, तो वो थोड़ी सी डिटेल कम हो जाती है. और ये देखिए, जैसे जनरल में केवल आपको अपनी पर्सनल डिटेल ही भरनी है, ये बाद वाली डिटेल्स नहीं भरनी है. ठीक, तो ये सब ऐसे अप्लाई करना होगा. कोई और क्वेरी, कमेंट, सजेशन होता आप नीचे पूछ सकते हैं. एक प्रॉपर वीडियो अलग से बनाई जाएगी जिसमें हम सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे. मैकेनिकल का प्रीवियस ईयर का पेपर है और
इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, उन दोनों को अपलोड कर दिया जाएगा आज या कल में, तो उसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं, वहाँ पर कोई कमेंट हो या फिर कोई आपका डाउट आ रहा है वो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।